अगर आपकी जिंदगी एक कहानी होती तो उसका टाइटल क्या हो रहा था? मिस्ट्री। मिस्ट्री? मुझे लगा बोरी मिस्त्री। ये बहुत शैतान है, कुछ भी बोल रहा है। मिस्ट्री। क्या पता लड़की गलती से एक्टर बन गई हो, पेशा मिस्त्री बोल रही हो। तो मैं इतनी पागल हुई थी, मैंने मेरे रूम में, मेरी अलमीरा में, मेरे कबर्ड में, मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में, मेरी बुक्स में, मेरे बाथरूम में, जिंदगी हो तो ऐसी। वरना 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 मरो फिर। ये गलत बात है, पूरा डायलॉग नहीं बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। देख रहे हो आप, इंटरव्यू से ज्यादा ना इनकी आंखों में नजर है, देख रहे हो, समझ रहे हो आप? यार आजकल आंखों पे नजर जाती किसकी है, मतलब हम तो अच्छे लोग हैं। पहले मेरी आंखों में नजर गई, अब इनकी आंखों में, मतलब मैं मोहब्बत ढूंढ रहा हूँ जहाँ मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, मुझे मिर्जापुर में भी काम करने का मौका मिला। मिर्जापुर में भी थी, मतलब ये आने वाले में? नहीं नहीं नहीं, मैं बुक हूँ, मैं आई वुड लव टू रीड यू। बिल्कुल नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूँ ऐसे कैसे? कर लेती हाँ, फैन है ऋतिक रोशन की। ये अपने बालों के साथ आंखें मैचिंग कराई हुई है, आंखों के साथ आपके बाल मैचिंग कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं? दोनों 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 लेंस लगाए है ना? लड़कियों का मैचिंग सेंस देखा अपने, मतलब ये तो हद ही होगी, आंखें मैचिंग करा रखी है बालों के साथ। आपकी एंबैरेसिंग मोमेंट कोई नहीं है? नहीं, क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। मतलब लड़की अभी तक टिल, मतलब फुल ऑन जी रही है, कोई एंबैरेसिंग मोमेंट ही नहीं आया लाइफ में? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मेरे साथ और हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, सिंगल ठीक हूं मैं। ओके, सिंगल पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। कुछ ऐसे टाइम पे आया था, इन्होंने खुद अपने हाथों से खाना बना के पूरे क्रू को खिलाया, ऐसा प्रोड्यूसर आज तक मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में। और हम बेताबी से आपके रिव्यूज का इंतजार करेंगे। बेताबी से? बेताबी से? बेताबी से? बेताबी से? क्या बात है, एक सेलिब्रिटी की तरह मतलब रहना कैसा लगता है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। इस पे मैं बताता हूँ, अभी तक लड़की का एक्सेंट बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे मैंने सेलिब्रिटी बोला ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। अब सेलिब्रिटी ये जब शुरू में बोली थी ना साक्षी, इनका साक्षी का साक्षी निकल रहा था कोई, ये सौ और शाह में आपके चक्कर पड़ता है। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि सौ है शाह है, तो मैंने कहा चल ठीक है, जो आ रहा है ना आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। ये आपने कास्ट किया था इनको? इनके तो इधर ही फंबल मच रहे और तबाही मचा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि साक्षी जिंदा है। नहीं, साक्षी जिंदा नहीं है। साक्षी जिंदा है और साक्षी छुपी हुई है। कहाँ छुपी है, कहीं नहीं है। दो मिनट, फिलहाल तो ये माइक मेरा है, और आप दोनों किस साक्षी की बात कर रही है? साक्षी, साक्षी माउस इन द डार्क। माउस इन द डार्क? माउस? साक्षी चूहा? नहीं नहीं, साक्षी चूहा नहीं है, साक्षी एक लड़की है जो एक लड़के से बहुत प्यार करती है, और शायद मुझे ऐसा लगता है उसे किसी ने छिपा दिया है या मार दिया है, हमें नहीं पता। मैं बताता हूँ, बेसिकली एक वेब सीरीज जो है वो एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है माउस इन अ डार्क, और जिसकी प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, जिनका नाम है प्रियंका जी। प्रियंका जी हाय, कैसी हैं आप? आई एम गुड। यार सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने सुना था यार ये प्रोड्यूसर लोग इतने इजीली अप्रोचेबल नहीं होते, आप तो बड़ी जल्दी मिल गई मुझे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, होता रहता है। प्रियंका जी के बारे में बता दूं, ये हैं तो ऐसे प्रोड्यूस कर रही है मूवी, ऐसे इनका जो दिल की लगन है ना वो इनकी जुम्बा में है। मैंने आपकी जुम्बा की वीडियोस देखी यार उस पे इंस्टाग्राम पे। हाँ, मेरा फिटनेस सीजन बाय प्रियंका करके इंस्टा हैंडल है, जहाँ पे मैं फिटनेस की क्लासेस देती हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड एंड जस्ट एंटर्ड इनटू दिस फिल्मी दुनिया। फिल्मी दुनिया में आने का रिस्क ले लिया आपने? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, और हमारे रिस्क से इश्क हो गया है। क्या बात है, और आपको पता है मतलब मैं बंदा बड़ा रिस्की हूँ। हाँ। तो मेरे से भी इश्क हो जाएगा। अच्छा वैसे इस वेब सीरीज की जो हमारे साथ एक और अदाकारा भी है, आपका नाम? रियल नेम बताऊं या कैरेक्टर नेम बताऊं? रियल नेम बताओ ना। रियल नेम है अमृता टंगानिया। और कैरेक्टर नेम? नेहा। नेहा, अच्छा ये जब शुरू में बोली थी ना साक्षी, इनका साक्षी का साक्षी निकल रहा था कोई, ये सौ और शाह में आपके चक्कर पड़ता है। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि सौ है शाह है, तो मैंने कहा चल ठीक है, जो आ रहा है ना आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। ये आपने कास्ट किया था इनको? इनके तो इधर ही फंबल मच रहे और तबाही मचा रही है। जहाँ पे तबाही होती है ना वहीं पे कहते हैं ना सारे लोग देखते हैं अच्छा वहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज नॉर्मल लोगों को वैसे नहीं दिखता, तो तबाही जरूरी है। मैं कहता हूँ माशाल्लाह आप कुछ ना भी करो, सिर्फ ऐसे दो टक आंखें दिखाओ, तबाही मच जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है मैं दिखा रही हूँ आके। उधर नहीं ना, यहाँ पे मेरी आंखों में देख के तबाही मचेगी। नहीं अगर आपकी तबाही होगी तो इंटरव्यू कौन लेगा फिर? लड़की इंटेलिजेंट भी है साथ में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये जो सबसे पहले बातें तो बाकी सारे होते रहेंगी, लेकिन माउस इन अ डार्क ये जो वेब सीरीज है ये किसके ऊपर? क्योंकि नाम से तो मुझे भी लगा था कि शायद से चूहे मारने की कोई होगी, माउस इन अ डार्क, चूहा छुपा हुआ, ये क्या किस रिलेटेड चीज है? एग्जैक्टली ये हमने बोने लोगों के ऊपर, सॉरी डोंट माइंड मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, पर जिनकी हाइट कम होती है, जिनको सोसाइटी काफी ज्यादा
मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट करती है कि नहीं यार ये तो छोटे हैं, ये क्या करेंगे, इनकी कॉन्फिडेंस कुछ भी हो जाए, इनका पढ़ाई कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, पर इनको सोसाइटी कैसे भी मर्जी इनको एक्सेप्ट नहीं करने को रेडी होती। तो हम ये ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जहाँ पे इन लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट करे और इनको वही प्रिविलेज मिलना चाहिए जो बाकी हम सबको मिलता है। अरे आज के टाइम पे क्या बड़ा छोटा, अब तो बिग बॉस में अब्दू देखे होंगे आपने। हाँ तो अब आया है ना, अब आया है हमारे पीछे। नहीं वो एक्चुअल में क्या है, माउस इन द डार्क देखकर ही उन्होंने कहा कि चलो हम भी इन्हें प्रमोट करते हैं। मतलब प्रोड्यूसर इतना वो मार्केटिंग के चक्कर में नहीं है, एक्ट्रेस ज्यादा है। ऑफ कोर्स अगर वो माउस इन द डार्क देखेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि नेहा वहाँ पे है, आई मीन अमृता टंगानिया वहाँ पे एक्ट कर रही है, तो मुझे तो करना पड़ेगा प्रमोशन। पेमेंट ज्यादा तो नहीं मिली? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पेमेंट मिल रही है, धीरे धीरे मिल रही है। अच्छा इसमें एक एक्टर जो बहुत ही जाने माने लिलीपुट जी, वो भी है राइट? हाँ वो भी है। और लिलीपुट जी जो है वो मिर्जापुर में भी थे दद्दा। यस दद्दू के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था वैसे मिर्जापुर में। आई डोंट नो वो आएगा कि सीन नहीं आएगा, बिकॉज होता है ना कि जब तक मूवी आती है तब तक आधे सीन तो कट जाते हैं, बट हाँ मुझे मिर्जापुर में भी काम करने का मौका मिला। मिर्जापुर में भी थी मतलब ये आने वाले में। तो मिर्जापुर के अगर टू के हम डायलॉग एक आधा कोई आपसे सुन पाए तो मतलब वाकई बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा हमें। नहीं 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 मतलब अभी नहीं, अभी लड़की अंदर बातें भी कर रही थी इंस्टाग्राम पे रील चढ़ाने, जैसे पंकज त्रिपाठी की मिर्जापुर की कट करके चढ़ती है, हमारी भी चढ़ानी है, अभी डायलॉग बोलो जरा। नहीं वो तो अंदर की बात है, ऐसे सबके सामने लाइव नहीं बोलना चाहिए। अरे अच्छा चलो मैं छोटा सा आपको बता देता हूं डायलॉग जो अपने पंकज त्रिपाठी जी का था ना कि शाबाश मुन्ना, या फिर नहीं वो वाला अपना कि शाबाश, और अपना वो वाला कि जिंदा तो नहीं, जिंदगी हो तो ऐसी, जिंदगी हो तो ऐसी, वरना 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 मरो फिर। ये गलत बात है, पूरा डायलॉग नहीं बोला लड़की ने, बट कोई बात नहीं। अच्छा प्रियंका जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फिटनेस तो मतलब आप उसके रिलेटेड करती रहती है, इंस्टाग्राम पे भी हैं और लोगों को प्रेरित भी करती हैं। एक बात बताओ मुझे, ये अपने बालों के साथ आंखें मैचिंग कराई हुई है, आंखों के साथ आपके बाल मैचिंग कर रही है, कैसे कर रहे? दोनों 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 ये लेंस लगाए है ना, लड़कियों को मैचिंग सेंस देखा अपने, मतलब ये तो हद ही होगी, आंखें मैचिंग करा रखी है बालों के साथ, बढ़िया बट बहुत प्यारी लग रही है। देख रहे हो आप, इंटरव्यू से ज्यादा ना इनकी आंखों में नजर है, देख रहे हो आप, समझ रहे हो आप यार, आजकल आंखों पे नजर जाती किसकी है, मतलब हम तो अच्छे लोग हुए, पहले मेरी आंखों में नजर गई अब इनकी आंखों में, मतलब मैं मोहब्बत ढूंढ रहा हूँ, जहाँ मिल जाएगी ठीक है, दो भाई मोहब्बत दो, ऑडियंस मोहब्बत दो इनको, मतलब कैसे कैसे लोग यार ऑडियंस से मोहब्बत मांग रही है, ये नहीं कि मैं बैठी हूँ मैं मोहब्बत प्रदान करूँ, नहीं 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 मैं बुक हूँ, मैं आई वुड लव टू रीड यू। Anyway, jokes apart, jokes तो चलते रहते हैं, you know, मतलब आप सब तो बकलोल जनता मुझे बखूबी जानती होंगी अच्छे से। प्रियंका जी से मैं थोड़े से ना सवाल ऐसे लिख के लाया हूँ, आप दोनों से मैं पूछूंगा और ये गेम खेलेंगे हम, आप दोनों ने ना क्विक क्विक करके मुझे वो बताना है, ठीक है जल्दी जल्दी दोनों ने बताना, ठीक है गेम शुरू करें बट क्विक क्विक बताना है। ओके सबसे पहले आप बताएंगी, इफ योर लाइफ वॉज अ स्टोरी व्हाट वुड इट बी टाइटल, अगर आपकी जिंदगी एक कहानी होती तो उसका टाइटल क्या रहता? मिस्ट्री। मिस्ट्री मुझे लगा बोरी मिस्त्री। ये बहुत शैतान है कुछ भी बोल रहा है, मिस्ट्री क्या पता लड़की गलती से एक्टर बन गई हो, पेशा मिस्त्री। अच्छा आपकी जिंदगी की कहानी? मेरी जिंदगी की कहानी होगी एनर्जी, एनर्जी बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ और एनर्जी। आपकी एनर्जी का राज क्या है? फिटनेस। फिटनेस क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश, मेरा नाम लेना पागल, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हाँ, मैं जब उनकी फर्स्ट मूवी आई थी कहो ना प्यार है एंड आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, सो मैं इतनी पागल हुई थी, मैंने मेरे रूम में, मेरी अलमीरा में, मेरे कबर्ड में, मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में, मेरी बुक्स में, मेरे बाथरूम में ऋतिक रोशन। और मेरे भाई को एक दिन गुस्सा आया, उसने सारे पोस्टर फाड़ डाले। मतलब शुरू में जब आई थी मूवी तब से फैन हो? हाँ तब से। हम ऐसे नहीं मानेंगे, पता कैसे मानेंगे, पहले उनको स्टॉप करके दो, डिडिंग 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 है ना, कर लेती हाँ, फैन है ऋतिक रोशन की। योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? मुझे जॉन अच्छा लगता है, जॉन अब्राहम। सारी लड़कियों को सिक्स पैक्स वाले, हमारा कुछ नहीं है, फिटनेस फिटनेस फ्रीक है, इसलिए जॉन अब्राहम तो पसंद होना ही। रोशन का तो जैसे पेड़ निकला हुआ है ना। नहीं वो डांसर बहुत अच्छा है और ऑफ कोर्स तो हॉलीवुड टाइप ऑफ हीरो है, हॉलीवुड टाइप हीरो है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, What habit holds you back the most? कोई ऐसी habit जो आपको हमेशा मतलब रोक के रखती है? Meditation. Meditation रोक के रखती है? हाँ, of course, meditation मुझे रोक के रखती है, because क्या करने से? क्या करने से? मतलब अगर मैं कहीं पे भाग रही हूँ
तो मैं अगर मेडिटेशन करूंगी तो मेरा वो भागना सब कम हो जाएगा ना। इन्होंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल लिया, हर किसी का हो सकता है, बट मैं तो डिसेंट वे में ही लेती हूं चीजों को। नहीं, ये डिसेंट ही था सवाल। अच्छा, व्हाट हैबिट्स होल्ड यू बैक द मोस्ट? मेरी एक हैबिट है कि मुझे सफाई बहुत पसंद है, तो मैं कुछ भी हो जाए, मतलब मेरे को काम के लिए भी लेट हो रहा होगा या मेरी कुछ भी मीटिंग्स भी होंगी ना, पहले मैं सब काम वाम खत्म ऑन टाइम। तो ये अब फ्रेंड्स फैन तो नहीं है कोई यहाँ पे? फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स फैन नहीं, नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल, व्हाट वाज योर मोस्ट एंबैरेसिंग मेमोरी टिल नाउ? एंबैरेसिंग मतलब हादी होगी, नहीं आप सोच लो तब तक आप याद करो। एम्बेरसिंग कुछ ऐसे मोमेंट्स नहीं एग्जैक्टली एक नहीं था, पर हाँ माउस इन द डार्क से रिलेटेड मैं ये बोल सकती हूँ कि जब हमको एक शूट करना था तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ लिमिटेड ही टाइम था और उस टाइम पीरियड में बारिश आ गई थी, वो आउटडोर था, तो उस टाइम पे लग रहा था या तो बारिश रुक जाएगा या फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी हमें आई मीन वो वाला एक बहुत एम्बैरेसिंग था कि यार ये बारिश क्यों आ गई, अनप्रेडिक्टेबल। इनके कहने का मतलब एज ए प्रोड्यूसर एम्बैरेसिंग मोमेंट, खर्चा ज्यादा हो जाना था इनका, तो वो है ना, तो बारिश तो रोमांटिक होती है, वो काम एम्बैरेसिंग है ना। हाँ, प्रोडक्शन देखनी पड़ती है ना। आपकी एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई नहीं है? नहीं, अब बात है, आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब लड़की अभी तक टिल मतलब फुल ऑन जी रही है, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं आया लाइफ में अभी तक? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मेरे साथ और हो जाएंगे। अपने आपको तीन वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। तीन वर्ड में, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। क्या बात है, बहुत जल्दी बता दिया आप। इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, सेम। ये अपने पाकिस्तान के सरफराज का विराट कोहली ने बोला, हाँ मेरा भी सेम, आपका भी सेम। लास्ट सवाल, How does it feel to be like a celebrity? एक celebrity की तरह मतलब रहना कैसा लगता है? Of course, बहुत अच्छा लगता है। इस पे मैं बताता हूँ, अभी तक लड़की का एक्सेंट बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे मैंने सेलिब्रिटी बोला, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। अब सेलिब्रिटी बोला है तो थोड़ा सा तो यू नो शो करना पड़ेगा, सो ऑफ कोर्स आई लव टू बी। तो आपका बताइए। हाँ, डेफिनेटली अच्छा ही लगेगा ना, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब मुझे लोगों से मिलना पसंद है एंड मैं बहुत जल्दी हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस बना लेती हूँ, रीड कर लेती हूँ, तो मुझे वो नहीं चाहिए कि यार मेरी चमचागिरी करो एंड चापलूसी करो तो ही आंखें पढ़ लेती हैं आप मेरी तरह। बहुत बढ़िया, मैं भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, इन्होंने तो अपना बता दिया बातों बातों में, पूछा नहीं था सिंगल, आप भी बातों बातों में बताना चाहे हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, लोग देखो जानना चाहते हैं एक दूसरे को। क्या जानना चाहते हैं कि बताना जरा, क्या जानना चाहते हैं? मतलब लोग जानना चाहते हैं कि आप सिंगल हो या यू नो कमिटेड हो। जो एडिटर है और जो सारी मूवी मतलब जिनकी बदौलत बन के सामने आप सबके सामने आई है, हमारे साथ जीत जी है, इनके नाम में जीत है, तो हार इनके साथ होगी नहीं। मैं 20 में आ जाऊं? 20 में बिल्कुल नहीं, मैं अच्छा लग रहा आपको? ना ना, ऐसे कैसे? तो जीत जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हूं। सच बताना, आपने तो एडिट किया ना जी, इसने कितने फंबल मारे हैं जो आपने कट किए? हां बताइए। इसने 250 नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, 2 मिनट नहीं, आप संजय तक के फैन हो, आप गिन भी रहे हो कितनी बार। पूरा फोकस था, पूरा फोकस था ये इस पे है ना, आप पे, आप पे फोकस था मुझे, वो मैं कर रहा हूँ। आप ही कीजिए। अच्छा, तो नहीं एक बात बताओ मुझे, एक तो ये एक्टर आप चलो एडिटिंग कर रहे हो, ये ऐसे मेरे सुनने में आया प्रोड्यूसर लोग बड़े मतलब वो स्ट्रेस में रहते हैं कि ये सीन काट दो, ये रखो, तो वही मैडम ना 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 ना, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। ये प्रोड्यूसर ऐसी थी कि पूरा मतलब सब क्रू के साथ उठना बैठना हो, यहाँ तक कि एक कुछ ऐसे टाइम भी आया था इन्होंने खुद अपने हाथों से खाना बना के पूरे क्रू को खिलाया, ऐसा प्रोड्यूसर आज तक मैंने कभी नहीं अपनी लाइफ में, और इन्होंने बनाया बहुत अच्छा खाना बनाया, सबको खिलाया और होल क्रू वॉज वेरी वेरी हैप्पी और सब लोग बहुत पसंद किया, डाउन टू अर्थ। देखो प्रियंका जी फिटनेस फ्रीक है, जुम्बा कराती हैं, खाना बना लेती हैं, प्रोड्यूसर तो है ही है, पैसे की भी कमी नहीं होगी। मैं कुछ और बोलने वाला था यार, मतलब हर बात पे सिंगल थोड़ी होता, मैं कहने वाला था कि मतलब सर्वगुण संपन्न स्त्री है ये। सो देखो प्रोड्यूसिंग लाइन में लड़की का आना एक छोटी बात नहीं होगी, वो भी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है इनके लिए ताली होनी चाहिए, है ना। थैंक यू, थैंक यू। सो
माउस इन अ डार्क की टीम थी हमारे साथ और एमएक्स प्लेयर पर आ चुकी है वेब सीरीज। यस आ चुकी है, आप सब देख सकते हैं। बाकी सब ओटीटीज पे भी अभी आ रहा है। जस्ट कमिंग डेज में मेरा हंगामा, जियो, वोडाफोन और जितने भी आप ओटीटीज ले लेंगे सब पर आपको माउस इन द डार्क मिलेगी, तो आपको जरूर देखना है। और हम बेताबी से आपके रिव्यूज का इंतजार करेंगे। बेताबी से क्या बात है, मैडम के अंदर शायर भी छुपा हुआ है, सर कुछ बोलना चाहते हैं। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम इस वीडियो में लिंक भी शेयर करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखिए और इसको शेयर कीजिए। आई रियलिटी फिल्म्स करके इंस्टा हैंडल है, हमारा यूट्यूब चैनल है आई रियलिटी फिल्म्स, फेसबुक पेज है हमारा आई रियलिटी फिल्म्स। तो मैं चाहूंगी आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप सबका सपोर्ट मिले। मैं सहारनपुर से हूँ, तो यूपी का ये एक छोटा सा, कौन सी बोली बोली जाती है, जो बेसिक हिंदी होता है, बेसिक हिंदी बोल, फिर हिंदी में ही बोलो। हाँ, तो मैं वो चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सबका प्यार चाहिए एंड सपोर्ट चाहिए। आई रियलिटी प्रोडक्शन का नाम है आपकी, आई रियलिटी फिल्म। मैडम शुरू से लेके आंखों की गहराई के बारे में बात कर रही थी, आंखों पर आंखें इन्होंने मैचिंग करा के रखी है बालों पे, प्रोडक्शन का नाम भी आंखों की सच्चाई, आई रियलिटी, हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं। क्या बात है। अब जाते जाते मुझे एक शेर याद आ गया जो कि मैंने लिखा था बहुत टाइम पहले, वो भी आंखों से रिलेटेड था कि तन्हाई में हूँ बेबस पर मैं लड़ना भी जानता हूँ, बिना किसी इमदाद के आगे बढ़ना भी जानता हूँ, बनाकर ये झूठे चेहरे मुझसे हमदर्दी ना तो दिखा, मैं आंखों से चेहरों को बखूबी पढ़ना भी जानता हूँ। सो साइनिंग ऑफ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।